पलवल में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल रेलवे स्टेशन पर 52 लाख रुपए की लागत से 3 लिफ्टों का रिबन काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित रेलवे प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। बता दें, केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे पर आधुनिकीकरण के लिए 1309 स्टेशनों की पहचान की गई, जहां पलवल स्टेशन भी उनमें से एक है। इस योजना के तहत पलवल स्टेशन के विकास के लिए कुल 34.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के प्रावधान किया गया है, जिनमें से बिल्डिंग निर्माण के लिए 15.25 करोड़ रुपए, ओवर ब्रिज के लिए 13 करोड़ रुपए और प्लेटफार्म इत्यादि के लिए 3 करोड़ रुपए, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत शामिल है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। यह योजना दृष्टिकोण के साथ साथ नियमित आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना पर आधारित है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन 70 सालों में रेलवे की क्या तस्वीर थी हम सबने देखी है। ना रेलवे स्टेशन अच्छे थे, ना वहां साफ सफाई थी, ना ट्रेनों की स्पीड थी, ना ट्रेनों में खान पान अच्छा था, ना सफाई अच्छी थी, ना कोई समय की पाबंदी थी। मित्रों, में लंबी चौड़ी पूरी रेलवे की बात करने नहीं आया, लेकिन मोटी मोटी 3-4 चीजें जरूर बताना। 70 सालों में इस देश के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 20,000 किलोमीटर। काम कैसे किया जाता है मोदी सरकार से कोई सीखे। और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया 40,000 किलोमीटर, दोगुने से भी ज्यादा। अब अंदाजा लगाइए कि 70 साल में 20,000 किलोमीटर और 9 साल में 40,000। सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया, आज देश के पलवल समेत 1308 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। उनकी नई भव्य एयरपोर्ट जैसी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। अब दिल्ली का रेलवे स्टेशन कितने हजार करोड़ का है आप देखेंगे, एयरपोर्ट भी कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति उसकी होने जा रही है। फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन लगभग 300 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया, एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। बल्लमगढ़, एनआईटी, पलवल, इनको भी रीडेवलप कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर रहे हैं और इन तीनों रेलवे स्टेशनों पर भी लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इसका काम शुरू हो गया है, जिसमें 34 करोड़ 25 लाख रुपए पलवल के रेलवे स्टेशन पर। मैं रेलवे की स्पीड की बात करूं, अभी 42 थी, लेकिन परसों ही 6 वंदे भारत को और किया, लगभग 50 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में शुरू हो गई है, जिनकी जो 6 घंटे का सफर था वो आज 3 घंटे में पूरा हो रहा है वंदे भारत से। यानी कि स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि समय आधा लगने लगा है। और मोदी सरकार ने तय किया अगले 3 साल में पूरे देश में हमने 400 वंदे भारत ट्रेन चलानी है। और यह भी लक्ष्य तय किया है कि जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, तब हम तो नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन आज ही वो लक्ष्य तय कर दिया है, तब भारत में ऐसी 4500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी पूरे भारत में 4500। मेरा नाम प्रकाश मंगला है, रेल पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो ये पलवल रेलवे स्टेशन पे जो लिफ्ट का काम स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे लिए, दैनिक यात्रियों के लिए और
अन्य यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी, महिलाएं, बच्चे इस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ रैंप का कोई सिस्टम नहीं है। सीढ़ियाँ हर एक किसी से नहीं चढ़ी जाती, खासतौर पर बुज़ुर्ग लोगों पर, और आजकल तो सभी के घुटनों में दर्द रहता है, तो इसलिए लिफ्ट हमारे लिए वरदान साबित होगा।